देख लो शुरू हो गया ना। माइक ऑन है। चलो चलो पढ़ा दिया जाए। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मैथ। अब मैथ में हम क्या सिखाए थे आप लोगों को याद है? मैथ में मैं कह रहा था बाबू कि मैथ में हमें क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। और बाबू ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आएगी, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से आएगी बाबू, तो आप लोगों का दो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसका क्या नाम है बाबू? इनवर्स। और दूसरा क्या नाम है बाबू? कैलकुलस। समझे? ये तो पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से क्या फायदा होगा बाबू? कि कैलकुलस पूरा पूरा, इनवर्स क्या? पूरा पूरा। इसी पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। क्या बेस्ड है बाबू? आप लोगों का इनवर्स और कैलकुलस। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार सिफारिश करूंगा, आप लोगों से एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा बाबू कि प्लीज़ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला एकदम जुबान पे याद कर लीजिए। और मैं यह बात आज से नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन शुरू होने से एक महीना पहले से कह रहा था, और आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखवाया भी गया था कैसे कैसे यूज करते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 10 दिन पढ़ाऊँगा, शुरू से लास्ट तक पढ़ाऊँगा, पर बाबू बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, ये टाइम भी नहीं हम लोग के पास है। इसलिए बाबू हम लोग शुरू करने वाले कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ेंगे बाबू। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्यों पढ़ेंगे? ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इसलिए पढ़ेंगे बाबू कि तभी हमें इनवर्स आएगा और तभी हमें कैलकुलस आएगा। चलिए देखते हैं बाबू। अब मैथ में एक ध्यान रख लो बाबू कि आप लोगों का मैथ का पेपर आउट है। मैथ का पेपर क्या है बाबू? आउट है। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, एकदम कंफर्म बता दूंगा बाबू। इस बार कोशिश किया जाए कि मैं हर चैप्टर से 8 से 9 सवाल बता दूं, क्योंकि बाबू यूपी बोर्ड का हर चैप्टर से 8 से 9 सवाल फिक्स है, उसी में से एक ठो यूपी बोर्ड में आ जाएगा। समझे? हर चैप्टर का सवाल एकदम फिक्स रहता है, कौन आएगा 8-10 सवाल गेस कर देंगे, उसमें से बाबू आ जाएगा सवाल। समझे? तो मैथ में बाबू 100 में 100 नंबर पाना एकदम आसान बात है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करोगे बाबू मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाएगा। अब मैथ में तो अगर तुम चाहते हो 100 में 100 नंबर पा जाओ, तो इसके लिए पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाबू, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कहाँ होना चाहिए? जुबान पे। अब प्लीज़ आप, ये बैच मेरा अच्छा था, अच्छा है, मेरा हर बैच अच्छा था। हम भले 10th में जब पास होते हो, उसके बाद जब आते हो 11th थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के होते हो, लेकिन मेरा काम क्या होता है? आपको अच्छा बनाना। जब मैं आपको अच्छा बना देता हूँ तो आप लोगों में इतना पोटेंशियल भर देता हूँ कि आप कक्षा 12 में आसानी से मैथ में 100 नंबर क्या करेंगे? पा जाएंगे बाबू। समझे? तो बस कोशिश करनी है आप लोगों को कि सर कोशिश क्या करनी है हम लोगों को कि मैथ में कितना नंबर पाए जाए? 100 में 100। और सुरेश क्लासेस के बच्चों के लिए 100 में 100 नंबर पाना एकदम आसान काम है, क्योंकि बाबू हमारे बच्चों को पहली बात पूरा मैथ तो पढ़ा दिया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना हो, मेरे बच्चों को एकदम आसानी से आने वाला है, इसकी लिखित गारंटी है। आप मुझसे स्टम पेपर पे सिग्नेचर करा लो, लेकिन कब? जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे तब। ध्यान से मैथ पर डे लगाना बाबू, जितना जितना सवाल कहूँगा उतना लगा के आना। अगर तुम मैथ में 100 में 100 नंबर ना पा जाओ, जो कहोगे सो हार जाएंगे, पर रेगुलर होना चाहिए। कक्षा 12 में नहीं कि 2 दिन चले गए मौसी के यहाँ, 2 दिन चले गए नानी के यहाँ, ऐसे जगह नहीं, आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा और आराम से मैथ में 100 में 100 नंबर पा जाएंगे। ठीक, सुरेश क्लासेज में बच्चे बाबू 96 नंबर, 96 नंबर
एक दो नहीं लाते हैं, थोक के भाव में लाते हैं, मतलब कई लोग लाते हैं बाबू, हर बैच में लाते हैं, ठीक है। लेकिन चार नंबर बाबू कम पड़ जाता है, चार नंबर ला दोगे 96 400, बहुत आसान है नंबर पाना मैथ में, समझे। बस कोशिश करना है आप लोगों को कैसे पाना, मैं सिखाऊंगा कि मैथ में 100 नंबर कैसे पाया जाता है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आपको बता दूँ केवल दो चीज पढ़ना है 100 नंबर पाने के लिए, एक किताब बताऊंगा, उस किताब को बाबू एकदम अच्छे से पूरा रट जाना, मतलब समझ के लगा लेना, और एक बताऊंगा क्या बाबू क्वेश्चन पेपर, उसको कर लेना, तुम्हारा 100 में 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। और सब पा जाओगे, पूरे सुरेश क्लास में जितने भी मैथ वाले बच्चे हैं सब के सब 100 नंबर पा जाएंगे बाबू। लेकिन बस उन्हें कुछ करना चाहिए, तुम कितना भी डल क्यों ना हो, अगर मेरी बात मान गए तो 100 में 100 नंबर पक्का न पा जाओगे, जो कहोगे सो। लेकिन कब, जितना बता रहे हैं उतना करोगे तब इनवर्स इतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कि पूछो नहीं। देखो इनवर्स बहुत बड़ी चीज़ है बाबू, सुन लो, लेकिन यूपी बोर्ड में जो इनवर्स दिया है वो इनवर्स बाबू कितना परसेंट है, केवल 5 से 6% इनवर्स है। जो वास्तव में इनवर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है बाबू, ठीक। लेकिन यूपी बोर्ड में जो इनवर्स दिया है बाबू वो 5 से 6% बस दिया है, बस इतना ही यूनिवर्स है, समझे। कंपटीशन का यूनिवर्स बाबू आईआईटी जेई यूनिवर्स के लिए बाबू और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, समझे। लेकिन आपके जो यूपी बोर्ड का यूनिवर्स है वो 5 से 6% है, और उसमें भी बाबू केवल वह दिया है जो कौन वाला दिया है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाबू दिए हुए है, सेकेंड की बात नहीं करता है, थर्ड की बात नहीं करता है, फोर्थ की बात नहीं करता है। इनवर्स जो आपका केवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, छोटा छोटा फार्मूला की बात करता है बाबू, समझे। तो मैं आपको सिखाऊंगा तो बस, लेकिन ये सब इनवर्स पढ़ने के लिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको चाहिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बाबू ट्रिग्नोमेट्री के पहले फार्मूले पर चलते हैं। मैं एक फार्मूला का नाम लिया था, आप लोगों को याद होगा, मैं उस फार्मूले को क्या बोलता हूँ, सीधा सीधा। मैं उस फार्मूले को क्या बोलता हूँ बाबू, सीधा सीधा। कैसे, तीन फार्मूला आपको याद होगा बाबू, सीधा सीधा कितने फार्मूला बाबू, तीन फार्मूला आप लोगों को याद होगा। कौन सा बाबू, पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू, 1। क्लियर। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि साइन से कहाँ जाना हो कास में, और कास से कहाँ जाना हो साइन में, तो इस फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं बाबू, जब दोनों का एंगल क्या हो, सेम। बाबू ये जो होता है साइन के आगे जो आता है, कास के आगे जो आता है, टैन के आगे जो आता है, उसे कहा जाता है एंगल। एंगल मतलब बाबू कोण, क्लियर। तो बाबू इन इस फार्मूले का यूज कब करते हो, तो कहोगे जब एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। जब एंगल सेम होगा तो हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला सवाल, तो बाबू पहला क्यों कब यूज करते हैं, जब एंगल क्या होगा, सेम। अब दूसरा सवाल आया, क्यों यूज करते हैं इस फार्मूले का, यूज क्यों किया जाएगा। तो बाबू इस फार्मूले का यूज जब कब कर क्यों करते हैं, जब हमें साइन से कहाँ जाना हो, कास में। अगर आपको साइन से कहाँ जाना हो, कास में, या कास से कहाँ जाना हो, साइन में, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं, क्लियर। तो हम जान गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और मैं इस फार्मूले को क्या नाम देता हूँ बाबू, सीधा सीधा। मान लो साइन थीटा का मान दिया है, किसका मान दिया है, साइन थीटा का, तो यहाँ से किसका मान निकाल लोगे, कास थीटा का, या कास थीटा का मान दिया है, किसका मान निकाल लोगे, साइन थीटा का, क्लियर। तो बस बाबू पहली बात सुन लो, मैं इस फार्मूले को नाम क्या देता हूँ, सीधा सीधा।
क्या बाबू? सीधा सीधा। इस फार्मूले का यूज कब करते हैं? जब दोनों का एंगल क्या रहेगा? सेम। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? थीटा। यहाँ अल्फा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? अल्फा। यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा। तो पहला बाबू कोई पूछ दिया इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, जवाब क्या दोगे बाबू? कहोगे जब जब एंगल का मान क्या होगा? सेम। क्लियर। अब दूसरा सवाल आया, इस फार्मूले का यूज सर कहाँ और क्यों किया जाता है? अगला सवाल पूछ दिया जाए, किस फार्मूले का यूज कहाँ करना है और क्यों करना है? तो बाबू इस फार्मूले का यूज वहां करते हैं जब साइन थीटा का मान दिया हो और क्या निकालना हो? कास थीटा। तो साइन का मान दिया हो, कास का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो मान लो बाबू कोई पूछा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला सवाल आ गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो क्या बोलोगे? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? कॉस का मान दिया है तो क्या निकल जाएगा? साइन का मान। साइन का मान दिया है तो क्या निकल जाएगा? कॉस का मान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन से कहाँ जाना है? कॉस में। किस फार्मूले का यूज करोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब कब यूज करते हैं? जब एंगल दोनों जगह क्या रहे? सेम। मतलब साइन थीटा का मान दे करके, साइन थीटा का मान दे दिया 3/5 और पूछ किसका मान दिया? कॉस थीटा का। ध्यान सुन लो बाबू, साइन थीटा का मान दिया है, कितना मान दिया है? 3/5। अब मान किसका निकालना है बाबू? कॉस थीटा का। तो देखो दोनों का एंगल क्या है? सेम है। और साइन का मान दिया है, क्या निकालना है? कॉस का मान। किस फार्मूले की शरण में जाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। समझे? लेकिन ऐसा आ जाता, ध्यान से, साइन थीटा का मान 3/5 आ जाए और कॉस 2 थीटा का मान पूछे बाबू, किसका मान पूछे? कॉस 2 थीटा का। तो बताओ इस फार्मूले का यूज किया जाएगा? तो कहोगे सर यहाँ कोण क्या है? थीटा। यहाँ कोण क्या है? 2 थीटा। दोनों जगह एंगल क्या है? अलग अलग। इसलिए इस फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा। समझे? तो पहली बात हम क्लियर कर लो सर, कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। कोई सवाल पूछ दे इस फार्मूले का यूज कब किया जाता है, तो कहना जब एंगल क्या रहे? सेम। कहाँ और क्यों यूज किया जाता है बाबू? जब साइन से कहाँ जाना होगा? कॉस। या कॉस से कहाँ जाना होगा? साइन। पहली बात हो गई। और मैं इस फार्मूले का नाम क्या देता हूँ बताइए? तो क्या बोलोगे बाबू? सीधा सीधा। तो सीधा सीधा का पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आगे दूसरा फार्मूला क्या जानते हो बाबू? दूसरा फार्मूला आता है सेक और टैन के बीच में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू? वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू? वन। तो अब बताओ यहाँ क्या इस फार्मूले का यूज कब करोगे? जब एंगल क्या होगा? सेम। कहाँ और क्यों यूज करोगे? तो सेक थीटा का मान दिया है, अब किसका मान पूछ रहा है? टैन थीटा का। या टैन थीटा का मान दिया है, किसका मान पूछ रहा है? सेक थीटा का। तो जब कभी सेक का मान देकर टैन थीटा का मान पूछे, टैन का मान देकर सेक का मान पूछे, तो किस फार्मूले के पास जाओगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू? वन। आगे कोई पूछेगा सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोला जाएगा? तो वन प्लस, ये कहाँ चला जाएगा? उस पार। तो वन प्लस क्या हो जाएगा बाबू? टैन स्क्वायर थीटा।
क्लियर। आगे अब कोई पूछेगा सर टैन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस है ना बाबू, ये कहाँ चला जाएगा, उस पार, तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस वन कहाँ आएगा, इस पार, क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मैं आप लोग 12 में पढ़ने वाले हो तो मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें क्या है बाबू आ रही है। दूसरा ध्यान से सुनो बाबू, तुम्हें साइंस से कहाँ जाना हो, कास में, किस फार्मूले के पास जाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर वन। तुम्हें बाबू सेक का मान दिया है, टैन के पास जाना है, कौन सा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन। इस फार्मूले को मैं नाम क्या देता हूँ बाबू, कौन सा फार्मूला, सीधा सीधा। अब तीसरा फार्मूला क्या है बाबू पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो बाबू पहला कोई सवाल पूछ दे, इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, तो जवाब क्या आएगा सर, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज, जब एंगल का मान नहीं बदलता है। दूसरा कब और कहाँ यूज करते हैं, तो कहोगे कोसेक थीटा का मान दिया हो, कॉट थीटा का मान पूछ रहा हो, या कॉट थीटा का मान दिया हो, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा हो। अगला बाबू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगला कोई पूछ दिया सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलोगे, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, उधर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस वन कहाँ आएगा, इस पर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझे, तो बस आपको बाबू एकदम जुबान पर होना चाहिए, अच्छा सेक थीटा का मान दिया है, टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो कहना रही सेक थीटा का मान दिया है और टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो कह रहा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये ऐसे होना चाहिए। साइन थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे, एकदम जुबान पर होना चाहिए। कोई कहेगा सर कॉट थीटा का मान दिया है, किसका मान दिया है, कॉट थीटा का, पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा का मान, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को मैं क्या बोलता हूँ, इन सब फार्मूले को याद है, सीधा सीधा फार्मूला, मतलब इस फार्मूले में क्या बोलता हूँ सर, सीधा सीधा। क्लियर। अब अगला एक फार्मूला मैं बोलता हूँ उल्टा, वो बाबू किसके बारे में बताता है, उल्टा के बारे में बताता है। जैसे साइन का उल्टा क्या होगा, तो कब साइन का उल्टा वन बाई कोसेक, पर इस फार्मूले का यूज कब करते हो, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज, कहाँ और क्यों यूज करते हो, जब साइन दिया हो कोसेक पूछ रहा हो। क्लियर। मैं दोनों जगह कोण क्या होगा सेम, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी क्या होगा थीटा, तो साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा। अगला सवाल कॉस थीटा बराबर क्या बोलोगे, वन बाई सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा क्या होगा सेक। सुन लो, इन फार्मूलों का यूज कब करोगे, जब एंगल का मान न बदले, आकाश से कहाँ जाना हो सेक में, टैन थीटा बराबर वन बाई कॉट थीटा, फिर बाबू कॉट थीटा बराबर वन बाई टैन थीटा, सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा। समझे, ये तो बेसिक फार्मूला है बाबू, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। मैं आप लोगों को याद करो, साइन का ग्राफ खिंचवा चुका था, कास का खिंचवाया था, शायद टैन का नहीं खिंचवाए थे, तो साइन और कास का मैं खिंचवा दिया था, टैन आप लोग कह रहे हो नहीं खिंचवाए थे, काट नहीं खिंचवाए थे, और खिंचवा भी नहीं पाऊँगा। ठीक, ये उतना टाइम नहीं है, इलेवेंथ में अगर कोरोना नहीं आया होता तो ये सब ग्राफ हम लोग जान चुके रहते, कोई बात नहीं।
तो मैं इस फार्मूले को क्या नाम देता हूँ बाबू, उल्टा उल्टा। तो अब चाहे सीधा सीधा फार्मूला हो और चाहे उल्टा उल्टा फार्मूला हो, इस फार्मूले का यूज कब करते हैं बाबू, जवाब क्या दोगे, वेन एंगल डज नॉट चेंज। अब बाबू अगर आपको मान पता हो, सेक थीटा का मान पता हो और टैन थीटा का मान चाहिए, तुरंत क्या बोलोगे, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तुम मेरे साथ बस फार्मूला रट लेना बाबू, मैं पूरा मैथ एकदम आसान कर दूँ, जुबान पे मैथ करा दूंगा। पर कब बाबू करा पाऊंगा, जब फार्मूला याद रहेगा तब। सर इनवर्स में कहाँ यूज होगा इनका, अगला सवाल पूछोगे, सर इनवर्स में इन फार्मूलों का यूज कहाँ होगा, क्लियर। तो इनवर्स में फार्मूले का यूज कहाँ होगा बाबू, आ गया सवाल कि साइन थीटा से ऊपर चमक रहा है ना, पक्का यहाँ चमक रहा है, बस ए ठीक है ना। अब देखो बाबू, साइन थीटा से हमें कहाँ जाना हो, कॉट थीटा के पास, क्लियर। सवाल आ गया, साइन थीटा का मान देकर, किसका मान देकर, साइन थीटा का मान देकर। दो बाबू लगाने के दो तरीके होते हैं ना, मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक। एक आसान तरीका भी है, उसको भी सिखाया जाएगा, एकदम आसान तरीका है, पर यूपी बोर्ड में नंबर पाना है ना, तो नंबर पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक आसान तरीका है, जो कक्षा 9 में पढ़े थे, ठीक, एक कक्षा 12 में पढ़ने वाले हो बाबू, तो इसको पढ़ने से साइन थीटा से कॉट थीटा में कैसे जाएंगे, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि वो सोचने की क्षमता आपकी क्या हो जाए बाबू, बढ़ने लगे। कैसे हुआ, नहीं तो सबसे आसान तरीका, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा जाएगा, लंब बटा कड़ लिखा जाएगा, आधार निकाल कर, पढ़ाया था बेसिक क्लास में, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़, नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बच्चे इसे क्या हो चुके होंगे सर, भूल चुके होंगे, ठीक है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। साइन थीटा से कहाँ जाना है बाबू, कॉट थीटा में, तो कैसे जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का मान दिया रहेगा, ध्यान से मान लेते क्या दिया है, 3/5, और कॉट थीटा का मान क्या कर रहा है बाबू, पूछ रहा है, क्लियर। तो सर कैसे लगाएंगे, तो पहला तरीका था बाबू सबसे आसान, जिसे आप लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से, मैं उसे अभी नहीं सिखाने वाला हूँ, पहले हम सीखेंगे सीधा सीधा फार्मूला से उल्टा उल्टा फार्मूला से कैसे पहुँचेंगे। तो चलिए बाबू, साइन थीटा से कहाँ जाना है, कॉट थीटा में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है साइन थीटा का मान लो मान दिया है, अब क्या निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो किसका मान दिया है बाबू, किसका मान दिया है, साइन थीटा। तो देखो बाबू कैसे मान निकालते हो, तो मैं यूज कर रहा हूँ सीधा सीधा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं शुरुआत सीधे वाले फार्मूला से करूँगा, ठीक। और जाते कैसे हैं, पहले अगर सीधा सीधा यूज किए हो तो पहले किस फार्मूले का यूज करोगे, सीधा सीधा के बाद उल्टा, उल्टा के बाद सीधा, सीधा के बाद उल्टा, उल्टा के बाद सीधा। कब तक करते हैं, जब तक कि जिसका मान पूछा है वहां तक हम पहुंच न जाए, क्लियर। तो जैसे यहां पर देखिए बाबू, ध्यान सुनिएगा, किसका मान दिया है, साइन थीटा का मान क्या किया है, दिया है। हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं बाबू, सीधा सीधा। सीधा सीधा कहने का मतलब मैं शुरुआत किस फार्मूले से करूंगा, सीधे वाले फार्मूले से मैं करूंगा, ठीक। आप पूरे YouTube चैनल पर देखिएगा बाबू, जैसे सिखा रहे हैं बहुत कम लोग ऐसा सिखाएंगे, ठीक है ना, जो सिखा रहे हैं सीख लो बाबू। तो मैं सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है बाबू, मैं शुरुआत किस फार्मूले से करूंगा, सीधा से। किसका मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है, तो हम शुरुआत किस फार्मूले से करेंगे, सीधा सीधा से। तो बताओ बाबू, तो सीधे वाले फार्मूले में कहाँ जाओगे, पहले में जाओगे, पहले में साइन है ना,
तो बताओ साइन का मान दिया है तो क्या निकाल लोगे? कॉस का मान। क्लियर? तो साइन थीटा का मान दिया है, उससे हमने किसका मान निकाल लिया बाबू? कॉस थीटा का। ये कौन मेथड हुआ बाबू? सीधा सीधा। सीधा सीधा का मतलब क्या सीखे आप लोग? सीधा सीधा का मतलब हुआ कि सर हम लोग सबसे पहले सीधे वाले फार्मूले से शुरू करेंगे। तो किसका मान दिया है बाबू? साइन थीटा का। क्या निकाल लिए? कॉस थीटा। हो गया। अब सीधा के बाद अब क्या करोगे बताओ? उल्टा करोगे सर, उल्टा। तब किस फार्मूले के पास जाओगे? उल्टा। तो देखो कॉस में गए तो कॉस का उल्टा क्या होता है बोलो बाबू? तो कॉस से क्या निकाल देंगे, किसका मान निकाल देंगे बाबू? सेक थीटा का। हो गया। अब उल्टा के बाद फिर क्या करोगे? सीधा। उल्टा के बाद आप क्या करोगे? सीधा। अब सीधा में जाओ तो सीधा में किस फार्मूले के पास जाओगे? उसके पास जाओगे जहां कौन है बाबू? सेक। चले गए बाबू सेक। सेक का मान पता हो गया तो किसका मान निकाल लोगे? टैन। तो सेक से कहां पहुंच गए? टैन। अब टैन के बाद क्या करोगे बाबू? उल्टा। और टैन का उल्टा क्या जानते हो? कॉट। हम कहां पहुंच गए सर? कॉट के पास। देखे तो साइन से कहां पहुंचना था? तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा बाबू। साइन से कहां पहुंचना है? कॉट। तो साइन दिया है तो किसका पहले मान निकालोगे? फिर किसका? तो कॉस को किसमें बदल दोगे? सेक में। सेक को किसमें बदल दोगे बाबू? टैन में। तो अगर मैं लिखाऊं सीधा सीधा तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले सीधे फार्मूले से शुरुआत किया जाएगा। सर नहीं, आप भूलवा रहे हैं, आप उल्टा उल्टा से करिए। उल्टा मतलब समझते हो? अब शुरुआत किया जाएगा किस फार्मूले से? उल्टे वाले फार्मूले से। किसका मान दिया है बाबू? साइन थीटा। तो अगर मैं उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले किस फार्मूले से शुरू करेंगे? सीधे वाले से कि उल्टे वाले से? तो कहोगे उल्टा वाला फार्मूला। तो चलिए बाबू पहले साइन का उल्टा किया जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? तो साइन से क्या निकाल लोगे बाबू? कोसेक। उल्टा कर दिए। अब उल्टा मत कहेगा सर, सीधा। तो साइन थीटा से निकाल लिए कोसेक थीटा। ठीक। अब बाबू किस फार्मूले के पास जाओगे? सीधे वाले फार्मूले के पास। अब किसका मान पता हो गया? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा गए तो कोसेक थीटा का मान क्या हो गया? पता। तो यहां से किसका मान निकाल लोगे? कॉट थीटा का। तो बताओ किसमें आसानी से पहुंच जाओगे? सीधा सीधा से कि उल्टा उल्टा से? उल्टा उल्टा से। अतः क्या समझ में बाबू? जैसे मन करे वैसे पहुंचो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूपी बोर्ड में जो इनवर्स दिया रहता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है बाबू, अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात कर देता तो बहुत मुश्किल होता। इनवर्स जो आप में पढ़ना है 5% भी ज़्यादा है बाबू। इनवर्स जो आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो कंपटीशन का 5% भी शायद ना हो। ठीक है, वो केवल भुलवाने के लिए दिया है, वो इनवर्स इनवर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है ना बाबू? तो आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि इनवर्स पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है बाबू। इनवर्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हो, वरना एक एक फार्मूला कई कई फार्मूले में चेंज हो जाता है। तो आपने सीख लिया ना बाबू? साइन थीटा से कहाँ जाना है? कॉट थीटा में। चलिए फिर से देखते हैं बाबू, साइन थीटा से कहाँ जाना है? कॉट थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? दिया है। कॉट थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। जानने के लिए तरीके बाबू दो, एक सीधा सीधा और एक उल्टा उल्टा। अगर मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, अगर मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ बाबू? इसका यह मतलब हुआ कि हम सीधे वाले फार्मूले से शुरुआत करेंगे। बताओ किसका मान दिया है? साइन थीटा से। तो साइन थीटा शुरुआत करें तो साइन थीटा का मान दिया है तो किस फार्मूले के पास जाओगे? सीधे वाले फार्मूले के पास जाओगे। और किसका मान पता है? साइन थीटा का। किसका मान निकाल लोगे? कॉस थीटा का। निकाल लिए।
तो सीधा हो गया। अब सीधा के बाद क्या करोगे? उल्टा। तो काश का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। बाबू काश का उल्टा क्या होता है? सेक। तो काश का मैं उल्टा कर दिया क्या बाबू? सेक। अब सेक अब किसका मान पता हो गया? सेक का। अब बाबू किस फार्मूले के पास जाओगे? सीधा। और जब सीधे फार्मूले के पास जाओगे तो सेक का मान पता है, किसका मान निकाल लोगे? टैन का। किसका मान निकाल लोगे? टैन का। अब किसका मान आ गया? टैन। अब उसके बाद क्या कर दोगे? उल्टा। उल्टा करने पर किसका मान आ गया? कॉट का मान आ गया। क्लियर? या बाबू आप यूज कर लो किस फार्मूले का? उल्टा। उल्टा इसका मतलब मैं शुरुआत कहां से करूंगा? उल्टा फार्मूला से। तो किसका मान पता है? तो पहले क्या करोगे? साइन थीटा को उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा करने पर क्या मिलेगा? मिल गया कोस थीटा। अब उल्टा के बाद कहां जाओगे? सीधा। तो जाओ बाबू तो यहां कोसेक थीटा का मान, यहां हमें कोसेक थीटा का मान क्या हो गया? मिल गया। तो यह कौन फार्मूला है? कोसेक थीटा। यहां से क्या निकाल लोगे? कोसेक थीटा का मान पता है ना, तो क्या निकाल लोगे? कॉट थीटा। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? तो ऐसे पहुंचा जाता है। ये बाबू इनवर्स है। ये क्या है? इनवर्स में आता है, कह देगा कि थीटा बराबर, दे दिया सर कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो कहेगा काट इनवर्स समथिंग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बाबू? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं सिखाऊंगा अभी, लेकिन कब ये सब चीजें कब अच्छे से आएंगी? जब फार्मूला कहाँ हो? जुबान पे। अभी मैं आपको, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ बाबू क्योंकि कल मैं इनवर्स का फार्मूला डिराइव कराऊंगा। कल मैं इनवर्स का फार्मूला क्या करूंगा? डिराइव कराऊंगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 - x² बराबर टैन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 - x². ये वो फार्मूला आपके यूपी बोर्ड में डिराइव करने को आता है। तो कब आएगा? जब यह फार्मूला क्लियर रहे, यह फार्मूला क्लियर रहे और यह हमको आसानी से आए। यूट्यूब के चैनल पे बाबू इनवर्स का आधे से अधिक चैप्टर जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पे कम जाएंगी वीडियो, ठीक है ना बाबू? जो सुरेश क्लासेस में एडमिशन लेगा उसको सुरेश क्लासेस के ऐप्स पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो बाबू आपको मैं बता रहा हूँ कि इनवर्स कैसे पढ़ा जाता है। इस गलत फहमी में मत रहना कि इनवर्स आप पूरा पढ़ लिए। यूपी बोर्ड में इनवर्स कितना परसेंट दिया? 5-6% दिया है बाबू, वो भी आधा अधूरा, आधा भी नहीं दिया, अधूरा एकदम दिया है बाबू, उल्टा सीधा टाइप का दिया है, ठीक है ना? तो हमको क्या पढ़ना है बाबू? मैं आप लोगों को लेकिन फिर भी सही वाला पढ़ाऊंगा, अच्छा वाला पढ़ा दूंगा आपको। क्लियर? मैं पढ़ाऊंगा कि इनवर्स किसका निकाला जाता है, ठीक है ना बाबू? तो मैं मैथ इधर शुरू कर दे रहा हूँ और मुझे फलन पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। फंक्शन, तो मैं फंक्शन दो बार नहीं पढ़ाऊंगा, इसी से मैं फंक्शन भी आधा से अधिक चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। फंक्शन मतलब फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं इसी के साथ साथ बाबू इनवर्स पढ़ने से पहले फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। 1-1 फंक्शन, आन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये नहीं आएगा बाबू तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो मैं जैसे ही अब मैं शुरू कर दिया, एक तरफ मैं फार्मूला सिखाता जाऊंगा और बाबू इनवर्स तभी पढ़ पाओगे जब आपको अच्छे से क्या आएगा? फंक्शन। क्या आएगा बाबू? फंक्शन। और दूसरी बात बाबू, फंक्शन पढ़ने के लिए ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना ग्राफ के आपको मुश्किल होगा फंक्शन पढ़ना। तो मैं अब कल से बाबू साइन थीटा का ग्राफ एक बार फिर खिंचवाऊंगा, किसका? तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा, साइन थीटा का ग्राफ देख लीजिएगा, समझे? और दूसरी बात, ये सब फार्मूला कहाँ होना चाहिए? जुबान पे। इसकी सहायता से साइन इनवर्स एक्स बराबर निकलवाया जाएगा, कास इनवर्स एक्स निकलवाया जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बराबर निकलवाया जाएगा, तो बहुत सारा चीज निकलवाया जाएगा, ठीक है ना? फार्मूला, क्योंकि बाबू इनवर्स का जब चैप्टर खोलोगे, जब इनवर्स का आप चैप्टर खोलोगे बाबू, तो उसमें बहुत सारा डिराइवेशन है, बहुत सारा नहीं, सारा मत बोलो, बहुत कम डिराइवेशन है, उसको कराया जाएगा और आप लोग को इतना अच्छा सिखाया जाएगा कि सब अपने से कर लोगे। बस आपको क्या आना चाहिए? सीधा सीधा, उल्टा उल्टा, समझे?
ये आपको आना चाहिए, तो बाबू सिखाया जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या याद होना चाहिए, फार्मूला, मैं पूछ सेक स्क्वायर थीटा करा रही, कब ये कब की बात है, कब पढ़ाए थे, शर्म नहीं आ रही आपको? तो मैं बाबू फिर से पढ़ा रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं पूछ दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो मत कहना सर कब, तो तभी गुस्सा पड़ता है, तब भी बताते हैं बाबू। आपको याद हो क्लास में 100 बार बताने के बाद 101वीं बार जब पूछते थे तो बच्चे करते थे कब पढ़ाए थे आप, ठीक बाबू। तो कोई पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तुरंत बोलना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यदि आप चाहते हो कि इनवर्स का एक भी नंबर ना छूटे, इन फार्मूलों को आप क्या कर लेना याद, तो होमवर्क क्या है, इन फार्मूलों को अच्छे से क्या कर लेना याद। और कल मैं पूछूंगा, मैं वीडियो के हेल्प से ही पूछूंगा कि कॉस थीटा से टैन थीटा कैसे जाएंगे, तो कॉस से बाबू अगर फार्मूला आपको याद है, अब कॉस से कहाँ जाना है टैन, तो मान लो मैं उल्टा उल्टा यूज कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं क्या करूँगा उल्टा, फिर करूँगा सीधा, अब कॉस से कहाँ जाना है, कॉस से कहाँ जाना है बाबू टैन, तो शुरुआत कहाँ से है कॉस, किसका यूज कर रहा हूँ उल्टा से, मतलब पहले किस फार्मूले का यूज किया जाएगा सर, उल्टा वाले फार्मूला को, तो कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, मिल गया सेक, और सीधा वाले फार्मूला में सेक से कहाँ चले गए टैन, कितना आसान है। तो कॉस से कहाँ जाना है टैन, कितना आसान है, कॉस को पहले क्या बदल दोगे सर, उल्टा, हम यूज कर रहे हैं उल्टा फार्मूला का, उल्टा उल्टा मतलब पहले मैं उल्टा करूँगा फिर सीधा, तो कॉस का उल्टा करने पर क्या मिलेगा सेक, और सेक से सीधा वाला फार्मूला में जाओगे टैन, आगे कितना आसान है, नहीं है समझ में? तो आपसे पूछा था बाबू इस तरह से सवाल, अब देखो इनवर्स का सवाल कैसा होता है वह सुन लो, अभी इनवर्स का सवाल कैसा होता है वो सुन लो बाबू, ये मत तुमको ये लगे कि हाँ यार ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, सवाल आ गया ऐसे, आ गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स ज्ञात करिए, सवाल आ गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स कितना होगा, इसका मतलब हुआ कॉस से कहाँ जाना है टैन में, तो पहले क्या कर दोगे उल्टा उल्टा अगर यूज करते हो तो पहले कॉस को क्या करोगे उल्टा, क्या मिल गया सेक मिल गया, और सेक के बाद किस फार्मूला जाओगे सर सीधा वाला फार्मूला में, सेक से क्या मिल गया टैन, आगे नहीं आ गया सर, भुलवा दिए आप। अगर मान लीजिए हमको, हम कॉस से टैन में जाना चाहते हैं, कॉस से कहाँ जाना चाहते हैं टैन, उल्टा उल्टा नहीं जाना चाहते हैं, देखा जाता है बाबू सीधा सीधा, इसका मतलब हम शुरुआत किस फार्मूले से करेंगे सीधा, तो बताओ बाबू चलो सीधा वाले फार्मूला में कॉस है, तो कॉस से क्या निकाल लोगे साइन, साइन हो गया सीधा हो गया, सीधा सीधा बात क्या करोगे सर उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक, अब कोसेक के बाद क्या करोगे सीधा करोगे, तो कोशिश कहाँ चले जाओगे काट, और उल्टा करने पर टैन, ये लंबा पड़ जाएगा ना, तो यही चीज सोचना है कि किस रास्ते को चूज करना है आपको, समझे बाबू। तो आप लोग जानते हो कि सुरेश क्लासेस में हर चीज एकदम अच्छे सिखाई जाएगी बाबू, ऐसा नहीं केवल यूपी बोर्ड सिखाया जाएगा, हर चीज सिखाते हैं, ये अलग बात है कि मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, वरना मैथ में 100 में 100 नंबर सुरेश क्लासेस में पढ़कर यदि मैथ में 100 नंबर नहीं आता है तो आपको बाल्टी वाले पानी में, बाल्टी में पानी भरकर डुबकी लगा के मर जाना चाहिए बाबू। जिसका अगर मैथ में 100 नंबर नहीं आएगा सुरेश क्लासेस पढ़ने के बाद, या लोटा में पानी भर ले बाबू, या बाल्टी में पानी भर के या डुबकी लगा क्या करें बाबू, उसमें मर जाए बाबू। तो प्रतिज्ञा करो कि हमें मैथ में 100 नंबर पाना है, क्लियर? कितना हुआ देख लो, आज के लिए बस इतना है।